हेलो एवरीवन वी आर रीडिंग द चैप्टर नंबर टू ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर क्लास नाइन्थ पीपल एज रिसोर्स तो अभी तक हमने रीड किया था कि किस तरह से एजुकेशन जो है वो पॉपुलेशन को चेंज कर सकती है उसके जो सरकम हैं उनको चेंज कर सकती हैं उसकी अर्निंग जो है वो बहुत हाई हो जाएगी अगर कोई भी पर्सन क्वालिफाइड होता है अगर वो अपने आप में कोई स्किल इनबिल्ट करता है कोई ट्रेनिंग लेता है किसी तरह की कहने की बात यह है कि अगर उस पर अर्ली एज में इन्वेस्ट किया जाए तो उस पर्सन की जो कंडीशन होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी और वो अपने देश के लिए ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएगा तो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसे इम्प्रूव की जा सकती है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं ऐसे जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन द लिटरेसी रेट हेल्थ ऑफ अ पर्सन इंडिकेट by life expect expectancy and skill formation acquired by the people of the country. The quality of uh, population depend करती हैं कि वहाँ का literacy rate क्या है यानी कितने person जो हैं वो educated हैं plus वो healthy हैं या नहीं उनकी health भी ये decide करती है कि एक country जो है वो कितनी prosperous है कितनी uh, ज़्यादा developed है The quality of population ultimately decides the growth रेट ऑफ द कंट्री लिटरेसी लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन आर एंड सेट तो किसी भी देश में अगर लिटरेट होंगे पर्सन अगर हेल्दी होंगे पर्सन तो वो एक उसके लिए ताकत बन जाएगी और हम कह सकते हैं कि अगर किसी देश में मान लो अगर अनहेल्दी लोग हैं या फिर इलिटरेट लोग हैं तो अपने देश के लिए वो एक जिम्मेदारी बन जाएंगे मतलब देश को उनका बोझ उठाना पड़ेगा कहीं ना कहीं अनहेल्दी पर्सन को हेल्थ देनी पड़ेगी या अनएजुकेटेड को भी आ, जो है काफ़ी सारे अवेयरनेस देनी होगी बट जो एजुकेटेड पॉपुलेशन है या जो हेल्दी पॉपुलेशन है वो अपने देश की डेवलपमेंट में कॉन्ट्रीब्यूट करती है तो फर्स्ट जो आस्पेक्ट है या फर्स्ट जो फैक्टर है जो अफेक्ट करता है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन uh, को वो है एजुकेशन तो लेट्स रीड सकल्स एजुकेशन इन द इनिशियल ईयर ऑफ हिज लाइफ बोर हिम द फ्रूट इन द लेटर ईयर्स इन टर्म्स ऑफ अ गुड जॉब एंड सैलरी ही सॉ एजुकेशन वॉज एन अपॉर्चुनिटी इनपुट फॉर द ग्रोथ ऑफ़ सकल तो हमने देखा कि सकल की जो एजुकेशन हुई इनिशियल ईयर में उसकी लाइफ के वो बाद में उसके लिए फल लेकर आती है मीन्स उसको एक गुड जॉब मिल जाती है उसको अच्छी सैलरी मिल जाती है और ये जो इनपुट था जो एजुकेशन के रूप में सकल में किया गया इसने उसकी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया उसके सरकमस्टांसिस को चेंज कर दिया इट ओपन न्यू ऑरिजिन फॉर हिम ही प्रोवाइडेड न्यू एस्पिरेशन एंड डेवलप्ड वैल्यू ऑफ़ लाइफ नॉट ओनली फॉर सकल एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूट द ग्रोथ ऑफ़ सोसाइटी ऑल्सो अब एक एजुकेटेड पर्सन सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं रहता वो अपनी सर्विसेज जितने लोगों को देता है वो उनको भी सर्व कर रहा है उनको भी वो ग्रो uh, करवा रहा है अपने साथ इट इन्हेंसेज नेशनल इनकम कल्चरल रिचनेस एंड इंक्रीज द एफिशियंसी ऑफ गवर्नेंस तो वो नेशनल इनकम में भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है कल्चरल में भी रिचनेस आती है काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ उसमें अगर होंगी तो हमारी सोसाइटी जो है अच्छी बनेगी एफिशियंसी uh, इम्प्रूव होती है गवर्नेंस की हमारी जो सरकार है उसकी एफिशिएंसी ज़रूर इम्प्रूव होगी अगर वहाँ यहाँ की जनसंख्या जो है वो पढ़ी लिखी होगी देर इज़ अ प्रोविजन मेड बाई प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस रिटेंशन एंड क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद स्पेशल एम्फसिस ऑन गर्ल्स देर इज ऑल्सो एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेस सेटिंग ऑफ स्कूल लाइक नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट तो काफ़ी सारे ऐसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा जिससे कि एजुकेशन को बढ़ावा मिले नवोदय विद्यालय उनमें से एक है जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में uh, स्थापित किया गया है वोकेशनल सिस्टम हैव बीन डेवलप्ड टू इक्विप लार्ज नंबर ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स विद ऑक्यूपेश रिटेड टू रिलेटिड टू नॉलेज एंड स्किल तो काफ़ी सारे वोकेशनल कोर्सेस लाए गए हैं जो कि बच्चे अपना स्कूल कंप्लीट करने के बाद वो वोकेशनल कोर्सेस में जा सकते हैं और एक पर्टिकुलर एरिया को अपना ऑक्यूपेशन बना सकते हैं द प्लान आउटले ऑन द एजुकेशन हैज़ इंक्रीज फ्राम रुपीज़ वन फिफ्टी वन करोड़ इन द फर्स्ट प्लान टू थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड करोड़ इन द एलेवंथ प्लान अगर हम एजुकेशन uh, पे खर्च की बात करें तो हमारी सरकार ने जहाँ पर फर्स्ट प्लान में सिर्फ एक सौ इक्यावन करोड़ खर्च किया था वहीं अगर टेंथ प्लान की बात करें यानी नियर अबाउट टू थाउजेंड की बात हो रही है ये तो तब जो है कितना हो गया था ये खर्च वन uh, फिफ्टी से बढ़कर थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड सिक्सटी सिक्स पॉइंट नाइन्टी करोड़स तक की एक्सपेंडिचर किया था गवर्नमेंट ने अपने देश में एजुकेशन को बढ़ाने के लिए द एक्सपेंडिचर ऑन द एजुकेशन एट दर्सेंटेज ऑफ जी डी पी रोज फ्राम पॉइंट सिक्स फोर परसेंट इन द नाइनटी नाइनटीन फिफ्टी वन फिफ्टी टू टू थ्री परसेंट इन नाइनटीन हंड्रेड फिफ्टीन टू सिक्सटीन तो ऐसे ही हमारी जी डी पी डोमेस्टिक प्रोडक्शन उसमें भी इंक्रीज हुआ पॉइंट सिक्स परसेंट से बढ़कर वो कितनी हो गई है थ्री परसेंट टू थाउजेंड फिफ्टीन सिक्सटीन का डाटा है ये फ्रॉम द फास्ट फ्यू ईयर्स द बजेट्री एस्टिमेट एज स्टेटेड इन बजट हाई ड्रॉप आउट रेट्स सर्व शिक्षा अभियान इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप्स आर्स प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ सिक्सटीन टू फोर्टीन ईयर्स बाय टू थाउजेंड टेन तो काफ़ी सारे ऐसे अभियान भी चलाए गए काफ़ी सारे ऐसी योजनाएं लाई जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा उनमें से ही सर्वशिक्षा अभियान भी एक सिग्निफिकेंट uh, स्टेप था हमारी गवर्नमेंट का जो कि एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए उठाया गया और ये किन बच्चों के लिए था सिक्स टू फोर्टीन ईयर्स जिनकी एज है और टू में ये आया था इट्स अ टाइम बाउंड इनिशिएटिव द सेंट्रल गवर्नमेंट इन पार्टनरशिप पार्टनरशिप विद द स्टेट एंड द लोकल गवर्नमेंट एंड द कम्युनिटी ऑफ अचीविंग द गोल्स ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन अलॉन्ग विद ब्रिज कोर्सिज एंड बैक टू स्कूल कैम्प्स हैवी इनिशिएटिव टू इंक्रीज एनरोलमेंट इन एलिमेंट्री एजुकेशन तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट द्वारा चलाए गए हैं उनमें से ब्रिज कोर्सेज हैं बैक टू स्कूल कैम्प्स हैं जो कि इनिशिएटिव लेकर गवर्नमेंट ने Uh, ताकि एनरोलमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चे जो हैं वो एजुकेशन लेने के लिए आएँ एट लीस्ट एलिमेंट्री एजुकेशन हो उनके पास तो गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स उठा रही है इसके लिए और मिड डे मील स्कीम हैज़ इंप्लेंट इम्प्लीमेंटेड टू एनकरेज अटेंडेंस एंड रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन एंड इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशल स्टेटस तो एक और स्कीम है मिड डे मील स्कीम जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इसलिए चलाई गई थी ताकि स्कूलों में बच्चों की अटेंडेंस को इम्प्रूव किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल अटेंड कर पाएँ दीज पॉलिसी कुड द लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया तो ये जो पॉलिसी है ये लिटरेट पॉपुलेशन को इनक्रीज करती है और द ट्वेल्थ प्लान एंडी वोर द रेज द कंट्री ग्रोथ एनरोमेंट रेशियो इन द हायर एजुकेशन इन द एज ग्रुप ऑफ एटीन टू ट्वेंटी थ्री ईयर्स टू ट्वेंटी फाइव पॉइंट टू परसेंट बाई टू थाउजेंड सेवेंटीन एटीन एंड टू रीच द टारगेट ऑफ थर्टी परसेंट बाई टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी वन तो ये जो है हमारा हायर एजुकेशन का ग्रोथ एनरोमेंट रेशो है जो कि पच्चीस परसेंट से बढ़कर अभी uh, ऐसे ही उम्मीद की जा रही है कि टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन तक क्या हो जाएगा थर्टी परसेंट हो जाएगा विच वुड भी ब्रॉडली इन लाइन विद द वर्ल्ड एवरेज द स्ट्रेटी फोकस on ऑन द access एक्सेस क्वालिटी and एंड स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम मॉडिफिकेशन वोकेशनलाइजेशन एंड नेटवर्किंग ऑन द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी तो हमारी एजुकेशन में बहुत सारे बदलाव किए जा रहे हैं इसमें करिकुलम में स्पेशली बदलाव किए जा रहे हैं जो सिलेबस है वो चेंज हो रहे हैं वोकेशनल कोर्सेस इंट्रोड्यूज हो रहे हैं नेटवर्किंग का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है इंफॉर्मेशनल uh, टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है बच्चों बच्चों को द प्लान ऑल्सो फोकसिज़ ऑन द डिस्टेंट एजुकेशन तो जितने भी डिस्टेंस एजुकेशन uh, के प्रोग्राम हैं ताकि दूर से अगर कोई कोर्स बच्चा करना चाहे और वो उसके एक्सेस में नहीं है तो वो दूर बैठा भी वो कोर्स कर पाए इस तरह के प्लान्स जो हैं ऑर्गेनाइज़ किए जा रहे हैं बाय द गवर्नमेंट द प्लान ऑल्सो फोकसज़ ऑन द ऑन डिस्टेंस एजुकेशन कवर कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल नॉन फॉर्मल डिस्टेंस and it education institutes over the past 50 years there there has been a significant growth in the number of university and institution of higher learning in specialized area let us read the table to see the increase in the number of colleges universities enrollment of students and requirement uh, recruitment of teachers from 15 1951 to uh, 20 2015-16, तो ये जो है ये टेबल हमें बताती है कि 1951 में नंबर ऑफ कॉलेज कितने थे यूनिवर्सिटीज़ कितनी थी स्टूडेंट्स कितने थे और टीचर्स uh, यूनिवर्सिटीज़ कितनी थी तो उसके बाद जो है टू थाउजेंड सेवनटीन एटीन का अगर आप डाटा देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं जो कॉलेज़ पहले सेवन 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 हंड्रेड फिफ्टी थे वो जो है बढ़कर कितने हो गए फोर्टी वन थाउजेंड ट्वेल्व हो गए तो हम देख सकते हैं कि इसी तरह से हर चीज़ में इंक्रीज़ हुआ है वो चाहे यूनिवर्सिटीज़ हो या स्टूडेंट्स हो या टीचर्स हो यूनिवर्सिटीज़ के तो उन सभी में इम्प्रूवमेंट हुई है और एक और जो हमें बारग्राफ दिया हुआ था वो था लिटरेसी रेट इन इंडिया पिछले पेज पे उसमें था जो पर्सन है वो ब्लू कलर से दिखाए गए हैं और जो ग्रीन कलर से फ़ीमेल दिखाई गई हैं और रेड कलर से मेल्स दिखाए गए हैं और इसमें क्या दिखाया गया है कि जो हमारा इकोनॉमिक सर्विस सर्वे है इसमें वुमेन का कितना पार्टिसिपेशन है यानी मेल्स का कितना है फीमेल्स का कितना है और टोटल जो इनका कंट्रीब्यूशन है वो कितना है तो 1951 में अगर देखें तो वुमेन का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम था अगर हम 2011 पर आ जाएं तो वुमेन का कंट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा है लेकिन अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि दोनों का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल है अभी भी मेल्स का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो एज कंपेयर टू फीमेल्स ज़्यादा है तो उसके बाद जो है हम नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे हेल्थ और हेल्थ हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में तो बाय फॉर दिस पार्ट होपफुली आपने ध्यान से सुना होगा थैंक यू वेरी मच